क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड प्रश्नावली 2.2, क्या करना है हमें? एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12, 6, 3, 3 का भाग देंगे तो 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 15 के करेंगे तो 3 का भाग देगा 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार, 3 इंटू 5, 36 के करेंगे 2 का भाग देंगे 18, वापस 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तई 9, 2 18, 18 दूना 36। अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? चौबीस, पंद्रह, छत्तीस के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 24 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 15 के क्या है? 3 इंटू 5, 36 के क्या है? 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएफ, एलसीएफ निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घातांक लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन क्या क्या आ रहा है? दो इसमें है, दो इसमें नहीं है, तीन इसमें है, तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, पांच नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा? एलसीएफ क्या आएगा? तीन ही आएगा। लेकिन हमें कैसे लिखना है? ऐसे सारणी बनाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घातांक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है। अधिकतम घात, न्यूनतम घातांक कितनी है जो कॉमन है? एक। तो एलसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? तीन की घात एक बराबर तीन, आंसर। अब हमें निकालना एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घातांक लेने पर,
कैसे लेंगे? सबसे पहले सारणी, अभाज्य गुणनखंड, अधिकतम घातांक, इसमें देखो दो की अधिकतम घात कितनी है? तीन। तीन इसमें दो की अधिकतम घात दो, तीन की अधिकतम घात दो। दो की अधिकतम घात कितनी थी? तीन। तीन की अधिकतम घातांक दो और पांच की एक। तो एलसीएम बराबर दो की पावर तीन, तीन की पावर दो, पाँच की पावर एक। कैसे लिखेंगे? दो इंटू दो इंटू दो, तीन इंटू तीन इंटू पाँच। गुणा करेंगे, पाँच तारीख पंद्रह, पंद्रह दूना तीन, पंद्रह तीन पैंतालीस, पैंतालीस दूना नब्बे, नौ दो अठारह, अठारह दूना छत्तीस, तीन सौ साठ। तीन सौ साठ के आगे एलसीएम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वैसे चालीस छत्तीस और एक सौ छब्बीस का क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ, लैंग्वेज में आप लिख लेना। चालीस छत्तीस एक सौ छब्बीस का सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू दो इंटू दो इंटू पाँच, पाँच दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। इसी प्रकार 36 के करेंगे, अभी किए थे 2 इंटू दो, 3 इंटू तीन, दो दूनी 4, 4 तारी 12, 12 दूनी 12 तिया 36। इसी प्रकार करेंगे 126 के, 126 के करेंगे तो 2 इंटू तीन इंटू तीन इंटू सात तारी 21, 21 42, 42 दिया 126। अब क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना है। तरीका वही बताया, लैंग्वेज वही बताई, तो सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, या तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ कि ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में कभी करना नहीं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कॉमन, दो इसमें कॉमन, तीन इसमें कॉमन, लेकिन इसमें नहीं है, तो एलसीएम कितना आएगा? सिर्फ दो। एलसीएम दो की हाईएस्ट पावर कितनी है? तीन। तीन की दो, पाँच की एक, सात की एक। गुणा करो, दो की पावर तीन, तीन की पावर दो, पाँच इंटू सात, दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन इंटू पाँच इंटू सात। इन सबको गुणा करेंगे क्या आएगा? दो हजार पाँच सौ बीस, ये हो गया आंसर। काफ़ी इजी है एलसीएम एलसीएम निकालना, लेकिन हमें क्या करना है? लैंग्वेज के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार लैंग्वेज बेस है। इसमें क्या बोल रहा है आपको? एक वृत्ताकार मैदान है, एक खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार पथ में है, और रमन इसके एक चक्कर को 18 मिनट में लगाता है। ये भाई साहब है रमन, ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं 18 मिनट में। रमन के साथ में और कौन है? अनुप्रिया।
अनुप्रिया। अनुप्रिया कितनी देर में चक्कर लगाती है? 12 मिनट में, मतलब अनुप्रिया तेज चलती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि माना कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये दोनों वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? ये देखो, ये चल रहा है, एक चक्कर काट रहा है ये 12 मिनट में, और रमन काट रहा है एक चक्कर 18 मिनट में। अब ये बोल रहा है ये दोनों वापस कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? जैसे इसका एक चक्कर हो गया 12 मिनट में, किसका? अनुप्रिया का। अनुप्रिया का देखते हैं, 12 के बाद दूसरा चक्कर 24 में, वापस 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीया 36, 36 मिनट में ये तीन चक्कर काट लेगी। इसी प्रकार देखेंगे रमन, रमन का पहला चक्कर कितनी देर में होगा? 18 मिनट में। दूसरा चक्कर कितनी देर में होगा? 36 मिनट में। 36 मिनट में ये दोनों आपस में मिलेंगे। तब अनुप्रिया तीन चक्कर लगा चुकी होगी और रमन कितने चक्कर लगा चुका होगा? 2 चक्कर। तो ऐसी चीज़ें निकालने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। ये वापस कब मिलेंगे ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो बता दिया मैंने, जैसे रमन, रमन एक चक्कर काट रहा, रमन यहाँ से शुरू करता है, एक चक्कर कितनी देर में काटेगा? 18 मिनट में। अनुप्रिया एक चक्कर कितनी देर में काटेगी? 12 मिनट में। मतलब जब रमन एक चक्कर काटेगा तब अनुप्रिया एक चक्कर काट कर वापस आगे निकल गई होगी, तो अनुप्रिया जब तीसरा चक्कर काटेगी तब रमन दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा। तो ऐसी चीज़ें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, रमन द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, रमन एक चक्कर कितनी देर में 18 मिनट में, अनुप्रिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितनी देर? 12 मिनट। एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, बारह का करेंगे तो 18 और 12, 2 × 3 × 3, यानी 3 × 9 = 18, 3 की घात 2, 12 की 3 × 12, 3 × 2 × 2, 3 × 2 की पावर 2। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 9 × 36, 36 होगा आंसर। रमन और अनुप्रिया 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। लैंग्वेज चाहो तो लिख सकते हो, रमन और अनुप्रिया 36 मिनट बाद मिलेंगे, ये हो गया आंसर। हमेशा क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जो बड़ी घात होगी उनको ले लेंगे, 2 की बड़ी घात कौन सी थी 2, 3 की बड़ी घात कौन सी 2, दोनों को ले लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी गणित के भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60, 84, 108 हैं और प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठे जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक एग्जाम हो रहा है सेमिनार हॉल में, सेमिनार में क्या हिंदी के तो है 60 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के हैं 60, इंग्लिश के कितने हैं 84 और गणित मैथ्स के कितने हैं 108। हमें क्या करना है, कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमरे में अधिकतम विद्यार्थियों को बिठाना पड़ेगा, तब कमरों की संख्या कितनी होगी न्यूनतम। हमें क्या ज्ञात करना है, कमरों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या न्यूनतम कब होगी, जब विद्यार्थी अधिकतम बैठेंगे, विद्यार्थी अधिकतम बैठेंगे मैक्सिमम, विद्यार्थी अधिकतम होंगे तब कमरों की संख्या क्या होगी न्यूनतम। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक सब्जेक्ट के विद्यार्थी एक कमरे में बैठेंगे, हिंदी के अंदर हिंदी के बैठेंगे, इंग्लिश के नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो तो अपन क्या करेंगे, सारों को एक ही हॉल में बिठा देंगे, 60, 84, 108 सबको एक ही हॉल में बैठा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी होंगे और सभी कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान होगी। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना है, इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता है, आवश्यकता अतः क्या करेंगे, प्रतिभागियों की प्रत्येक कमरे में प्रत्येक कमरे के संख्याओं के लिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कमरों की न्यूनतम संख्या चाहिए हमें, तो प्रतिभागियों के प्रत्येक कमरे के संख्या के लिए प्रतिभागियों की प्रत्येक कमरे की संख्याओं के लिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य 60 का करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5, 5 × 15 = 30, 30 × 60। इसी प्रकार 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले काफ़ी बार कर लिया, 2 × 2 × 3 × 7। 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 3 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 3 × 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 3 × 7। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनमें कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 की पावर 2 और 3 कॉमन है,
चार इंटू तीन बराबर 12। अब क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे, टोटल हमें क्या करना है, कमरों की संख्या निकालनी है। कमरों की संख्या बराबर क्या होगा, प्रत्याशियों की संख्या अपॉन SCF कितना आया था, 12। 60 84 108 अपॉन 12। जोड़ लो इनको, 8 4 12, 1 8 1 9 9 6 15, असल का 1 1 1 2 12, 12 2 9 24 12 1 12। न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी हो, 12 का भाग देने SCF क्या आया था, 12। 12 का भाग देने पर क्या आया था, 21। तो कमरों की संख्या कितनी होगी, 21। ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। प्रत्याशियों की संख्या अपॉन SCF, प्रत्याशियों की संख्या के लिए हमने 60 84 108 को जोड़ लिया था, टोटल कितना आया, 252। 252 में 12 का भाग दिया तो क्या आया आंसर, 21। 21 इज आवर आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।